Acute epiglottitis. It's a rapidly progressive inflammation. इसके अंदर जो मेन कल्प्रिट होता है उसका नाम होता है इन्फ्लुएंजा नहीं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी. तो इस इन्फ्लेमेशन के कारण होता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. ये कॉमनली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को जो कि 3 से 6 साल की उम्र के होते हैं, एंड इट डेवलप अक्यूटली. इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है? हाई फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, ड्रूलिंग एज पेशेंट्स आर अनेबल टू स्वेलो. इसके अंदर जो स्ट्राइडर मिलता है वो होता है इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर. ये एक लेट फाइंडिंग होती है और इट सजेस्ट नियर कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसके अंदर, ट्राइपॉड पोजिशन. ये क्या होता है? पेशेंट कैरेक्टरिस्टिकली लीन फॉरवर्ड वाइल सिटिंग विद द नेक हाइपर एक्सटेंडेड टू मेंटेन द एयरवे. इस पोजिशन को कहते हैं हम ट्राइपॉड पोजिशन. इसके अलावा रेडियोग्राफी के अंदर हमको ये देखो, ऑन डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी द टिपिकल एडिमेटस चेरी रेड एपिग्लोटिस इज विजुअलाइज्ड. नेक रेडियोग्राफ के अंदर हमें एक थंब साइन देखने को मिलता है. ये थंब साइन क्या होता है? एनलार्ज्ड एडिमेटस एपिग्लोटिस को कहते हैं. इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और रेडियोग्राफी आर नॉट इंडिकेटेड. And securing the airway by tracheal intubation should be prioritized before a complete airway obstruction. Okay, तो ये हो गया acute epiglottis. इसके अंदर सबसे important बात है कि hemophilus influenza type B के कारण ये होता है, छोटे बच्चों के अंदर होता है. इसके अंदर inspiratory stridor देखने को मिलता है, tripod positioning देखने को मिलती है, cherry red epiglottis मिलता है. इसके अलावा इसके अंदर थंब साइन देखने को मिलता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्यूट एपिग्लोटाइटिस.